बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ का हड़ताल जारी, कृषि मंत्री से वार्ता हुआ विफल। बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ जिला इकाई गया के द्वारा पिछले 6 जून से अपनी मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया था। हालांकि इस हड़ताल 26 जुलाई 2023 को कृषि मंत्री के द्वारा अपने आवास पर हजारों संख्या में किसान सलाहकार को मांग पूरी करने का घोषणा को बुलाया गया था। जब उनके आवास पर हजारों की संख्या में किसान सलाहकार पहुंचे तो वार्ता के दौरान मंत्री के द्वारा हमारी मांगों पर बात ना करके इधर उधर की बातें करने लगे। इसके बाद हम लोग का हड़ताल अब जारी रहेगा, इसको लेकर गया के गांधी मैदान आशिफ गांधी मंडप में किसान सलाहकार ने एक बैठक कर हड़ताल को जारी रखने का निर्णय लिया गया। मंत्री के द्वारा कभी भी किसी मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, जिससे बिहार के हम किसान सलाहकार काफी दुखी हैं और अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ जिला इकाई गया इस हड़ताल को जारी रखने का निर्णय लेता है। जब तक किसान सलाहकार के मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। इस बैठक में जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, गौतम कुमार, बिमल किसान सलाहकार शामिल थे। क्या वहां पर रिजल्ट निकला? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के, माननीय कृषि मंत्री के बुलावे पर हम लोग कल उनके आवास पोलो रोड पर हम लोग बिहार के तमाम किसान सलाहकार उपस्थित हुए। उनके द्वारा कहा गया था कि आप लोग सभी किसान सलाहकार हमारे आवास पर आइए, हम आपकी मांग की घोषणा को पूरा करते हुए हम यहाँ अपने आवास से घोषणा करें। लेकिन जब हम 2 से 3 हज़ार की संख्या में माननीय मंत्री के आवास पर उपस्थित हुए, माननीय कृषि मंत्री द्वारा जो किसान सलाहकार के द्वारा जो मांग पत्र सौंपा गया था उस पर बात न करते हुए हम लोग को भ्रमित किया गया। जो उनको वहाँ पर जो हम लोग को बुलाया गया, जिस मकसद से बुलाया गया था, किसान सलाहकार की समस्या और किसान सलाहकारों की मांगों पर कोई भी चर्चा नहीं किया गया और इधर उधर की बात करके हम लोग को भ्रमित किया गया और कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत कुछ जिले में के साथियों को उनके द्वारा भ्रमित किया गया। आवाज ऐसा स्थिति हुआ है कि अब 2 जिलों को भ्रमित करते हुए क्षेत्रवाद के नाम पर कहीं ना कहीं हड़ताल को कमजोर करने का काम किया है और माननीय मंत्री द्वारा ये पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार को संदेश दिया गया है कि किसान सलाहकार हड़ताल से वापस लौट गए हैं, जो कि सरासर गलत है। हम लोग उनके वार्ता के बाद भी कल पटना में भी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग ने सूचना देने का कार्य किया है कि हम लोग का जो जारी हड़ताल है वो वनवरत आगे भी जारी रहेगा। लेकिन माननीय कृषि मंत्री हम लोग साथ छलावा किए, आवास पर बुलाए, सकारात्मक वार्ता भी नहीं किए और मीडिया के माध्यम से उन्होंने सूचना दे दिया कि किसान से लगा हड़ताल पर वापस हो गया। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी रणनीति है कि जब तक किसान सलाहकार की मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं होगा, जब तक हम लोग को लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और यह हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। रंजन कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष, सह प्रदेश सचिव, बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ। मंत्री जी बुलवाए थे कि अब आवास पर आइए आप लोग और यहीं पर आपके डिमांड को पूरा किया जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टर होंगे, सचिव होंगे, लेकिन झूठ बोल करके बुलाया गया और कुछ लोगों को तोड़ लेने का काम किया हमारे संघ से। कुछ लोगों को, पांच छह लोग, जिसमें 2 गद्दार बड़े निकले, अमन कुमार, डॉक्टर अमन कुमार और पंकज सिंह, ये दोनों मंत्री से मिल गए और रात में होटल के कमरे से इन लोगों ने हड़ताल वापसी का वीडियो जारी कर दिया। ये गलत है। हम गया जिला किसान सलाहकार संघ की तरफ से बोल रहे हैं, गया जिला हड़ताल से वापस नहीं आएगा और इन गद्दारों को हम सब से अपील करते हैं पूरे बिहार के किसान सलाहकारों से कि इनको संघ में कहीं कोई नहीं रखा जाएगा, इनकी बात को कोई न माने। पूरे बिहार में स्ट्राइक जारी रहेगा, किसान सलाहकार हड़ताल के साथ जैसे था वैसे रहेगा, तब तक रहेगा जब तक हमारी मांगे मान ली नहीं जाएगी। हमको जनसेवक में समायोजन जब तक नहीं कर लिया जाता है, कोई किसान सलाहकार काम पर वापस नहीं लौटेगा और गया जिला इसकी अगुवाई फिर से कर रही है। पहले भी गया जिला इसका अगुवाई किया है, फिर से अगुवाई कर रहे हैं डॉक्टर अमन और पंकज सिंह, एक किसान सलाहकारों के साथ गद्दारी किए हैं। इनको गद्दार कहते हुए तरीक भी हमको सोचना नहीं पड़ रहा है, ऐसे लोग से बचे। तमाम किसान सलाहकार साथियों से अपील है कि इनके किसी बुलावे पर कोई कार्यक्रम में कहीं शामिल होने की जरूरत नहीं है। हड़ताल रहेगा तब तक जब तक किसान सलाहकार का मांग मान लिया नहीं जाता। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? मुख्य मांगे हमारा किसान सलाहकार को BLW में समायोजन करना,
और उसके बाद जो उचित उसका जो पेमेंट है वो हमको पेमेंट किया जाए, किसान जो BLW को किया जा रहा है, राज्य कर्मी का हमको दर्जा दिया जाए। पर्चे अरुण कुमार, किसान सलाहकार, गया।